ओम नमस्कार प्रणाम। मैं अब मोटापा वजन वेट लॉस कैसे हम करें, योग ऋषि परम पूज्य स्वामी जी महाराज के जो चमत्कारिक योग प्रणायाम है इस बारे में बोलना चाहता हूँ। छह चमत्कारिक प्राणायाम है। पहला भस्त्रिका, सांस लेना, फेफड़े में भरना और छोड़ना भस्त्रिका प्राणायाम है। 24 घंटे में जहाँ शुद्ध हवा मिलेगा, लंबा सांस ले, फेफड़े में भरे और लंबा सांस छोड़े। कपालभाती 1 ग्राम बाण प्राणायाम है। और कपालभाती में हम सिर्फ नाक से सांस फेंकेंगे, पेट खींचेंगे नहीं, पेट अपना हिलेगा। कपालभाती प्राणायाम सिर्फ हम सांस फेंकेंगे, जिसे हाथी फेंकता है। ये हम खाली पेट या नाश्ते खाने के 4 घंटा बाद कर सकते हैं। यदि कुछ लिक्विड पिए हैं तो 2 घंटा छोड़ के भी कर सकते हैं। किसी भी स्थिति में, किसी भी प्रकार आसन में आप बैठ के कर सकते हैं, नहीं तो कुर्सी में, खटिया में लेट के भी कर सकते हैं। यदि आप ड्यूटी करते हैं, समय नहीं है, तो आप ड्यूटी में भी चलते हुए भी, खड़े होते भी कर सकते हैं। सिर्फ नाक से सांस फेंकना है। जिनको हाई बीपी, हार्ट का रोग, दमा, अस्थमा, हार्निया, कोलाइटिस, अल्सर, कमजोरी, कैंसर है, और वो लोग घड़ी की सुई देखते हुए 1 सेकंड में एक बार करेंगे। नहीं तो हम किसी भी स्पीड से भी कर सकते हैं, 1 सेकंड में एक बार, 2 बार, 3 बार या बीच में चेंज भी हम कर सकते हैं। 0.5 घंटा, 1 घंटा, जितना ज्यादा करेंगे उतना ही लाभ है। बाएं नाक से सांस लेंगे, फेफड़े में भरेंगे, दाएं से छोड़ेंगे, दाएं से लेंगे, फेफड़े में भरेंगे, बाएं से छोड़ना है, लंबा लेना है, लंबा छोड़ना है। 20-30-40 सेकंड में अपना अपना सामर्थ्य अनुसार ले छोड़े, इससे ज्यादा लाभ मिलता है। 0.5 घंटा या ज्यादा भी हम कर सकते हैं, खाली पेट या नाश्ता खाने के 1 घंटा छोड़ के हम कर लेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम, सांस को धीरे धीरे छोड़ेंगे, फिर गले को आकुंचन करके खींचेंगे, सांस को खींचने के बाद रुकेंगे, जलोदर बंद करके थोड़ी को लगा के रुकेंगे, जो रुक नहीं पाएंगे दाएं नाक से बंद करके बाएं से छोड़ेंगे। लेकिन रुकना है ज्यादा समय, तो जितना ज्यादा रुकेंगे उतने फायदा है। थायराइड, हाइपोथायराइड से लेके गले संबंधी बीमारियां के कारण जो मोटापा होता है उनको भी दूर करता है। उजय प्राणायाम खाली पेट या नाश्ते खाने का दौड़ा छोड़ के हम 15 बार, 21 बार या ज्यादा भी हम कर सकते हैं। उजय प्राणायाम मोटा कान को बंद करना है, मुंह को बंद रखना है, नाक से लंबा सांस लेना है, ओम का गुंजन करना है और ऑटोमेटिक नाक से सांस निकल जाएगा। इसे 7 बार, 9 बार, 15 बार हम कर सकते हैं। हम नाक से लंबा सांस लेंगे और ओम का उच्चारण करेंगे। इसी तरह लंबा उच्चारण करेंगे उद्गीत प्राणायाम। इनको भी 3 बार, 5 बार, 7 बार, 15 बार भी हम कर सकते हैं। पहला दिन से लाभ ले, परंतु परहेज करें और पत्थर ना खाएं। सभी को ओम नमस्कार प्रणाम।